हेलो गाइस, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हो चाइल्डहुड। दोस्तों गाइस, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं पेंसिल केस कलेक्शन एंड यहां पर हमारे पास हो जाता है स्टेशनरी कलेक्शन, जिसमें हमारे पास अप्सरा एंड डोम्स की तरफ से आने वाली एक स्मॉल किट हो जाती है और यहां पर इरेजर कलेक्शन भी हो जाता है। तो गाइस, आज के इस मजेदार वीडियो में इन सबको ऑनेस्टली रिव्यू करने वाले हैं, एक एक कर सबको ओपन करने वाले हैं और सबकी प्राइस रेंज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसीजन ले पाओगे कि आपको कौन से किट परचेज करनी चाहिए, कौन सा पेंसिल केस परचेज करना चाहिए और कौन सा इरेजर आपको परचेज करना चाहिए। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इन सब का ही रिव्यू करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले ओपन करना चाहेंगे, यहाँ पर ज्योमेट्री बॉक्स आ जाता है, पेंसिल केस आ जाता है, डोरेमोन की तरफ से आने वाला मजेदार पेंसिल केस आ जाता है। गाइस, अगर इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो ये मुझे 150 का मिला है लोकल मार्केट से। और गाइस, यहाँ पर काफी चमकदार यहाँ पर ज्योमेट्री बॉक्स पेंसिल केस आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3D लोगो दिया हुआ है। ये 3D लोगो आप अगर पेंसिल केस को थोड़ा मूव करोगे तो चेंज भी होता है। आई थिंक आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, यहाँ पर एक डोरेमोन का पिक्चर्स दिया हुआ है, यहाँ पर एक पुश बटन दिया हुआ है, दबाकर देखते हैं पुश। तो गाइस, यहाँ पर 2 टाइप का यहाँ पर होल खुलकर आ जाता है, जिसमें आप एक तो नॉर्मल पेंसिल शार्प कर सकते हो और एक स्पेशल पेंसिल को शार्प कर सकते हो। बात की जाए अंदर के साइड की, वाओ गाइस, यहाँ पर एक कैलकुलेटर भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छे से चलता भी है, वर्क करता है। यहाँ पर आप अपने कैलकुलेशन यहाँ पर आसानी से सोल्व कर सकते हो। अंदर के साइड की बात की जाए तो एक कंपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें पेंसिल लॉक दिए हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 तरह के यहाँ पर आपको पेंसिल लॉक मिल जाते हैं, जहाँ अपने पेंसिल को लॉक कर सकते हो। यहाँ की बात की जाए तो 2 मैग्नेटिक लॉक दिए हुए हैं, जिससे कि इस ज्योमेट्री बॉक्स में आपकी सेफ्टी और बढ़ जाती है। 2 मैग्नेटिक लॉक दिए हुए हैं, काफी मजेदार है। गाइस, पीछे के साइड की बात करें तो यहाँ पर भी पिक्चर्स दिए हुए हैं डोरेमोन के, और अंदर भी एक कंपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाता है जो कि एकदम खाली सा है। यहाँ पर कोई पेंसिल लॉक नहीं दिया हुआ है, बट ये बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर आप अपने इरेजर, शार्पनर और रोलर वगैरह को आप रख सकते हो। अगर यहाँ पर भी पेंसिल लॉक दिए होते हैं तो आप उन आइटम को नहीं रख पाते यहाँ पर, तो काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। पीछे के साइड भी आपको यहाँ पर 2 मैग्नेटिक लॉक देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस, ये थी डोरेमोन की तरफ से आने वाला पेंसिल केस, जो कि 150 का मुझे मिला है। इसे रखते हैं साइड में। अगला गाइस, यहाँ पर देखते हैं अप्सरा की तरफ से आने वाली एक स्मॉल किट हो जाती है, 160 की मिल जाती है आपको लोकल मार्केट से। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इसमें क्या क्या निकलेगा, तो फटाफट से ओपन करते हैं और दिखाते हैं आपको इसके अंदर क्या क्या निकलता है। ओ गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है एक रोलर मिल जाता है 15 सेंटीमीटर का। अगर इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो ये 6 रुपीज का आपको देखने को मिल जाता है। इसे रखते हैं साइड में। अगला देखते हैं। ओ वाओ, यहाँ पर देखिए यार, शार्पनर का लुक देखिए, काफी ऑसम लग रहा है। यहाँ पर काफी बिग शार्पनर निकल कर आ गया है। पीछे के साइड होल दिया हुआ है, यहाँ से अपने पेंसिल को आप इसमें अंदर डालोगे और शार्प कर सकते हो। आगे से ये ढक्कन ओपन होता है, इसे आप ढक्कन को ओपन कर यहाँ पर आपका जो शार्प किया हुआ जो कचरा है वो इकट्ठा हो जाएगा, इसे खोलकर आप डस्टबिन में डाल सकते हो। तो गाइस, ये था शार्पनर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेंसिल मिल जाती है, जिसमें कि 3 तो यहाँ पर डार्क पेंसिल दी हुई है अप्सरा की तरफ से और यहाँ पर 3 प्रिंटेड पेंसिल दी गई है। गाइस, रखते हैं साइड में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एक नॉर्मल पेन आ जाता है, बॉल पेन, जो कि अप्सरा की तरफ से आता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास हो जाता है 8 पेंसिल कलर हो जाते हैं, जो कि काफी मजेदार लग रहे हैं। प्राइस रेंज की अगर इसकी बात करें गाइस यहाँ पर, तो ये मिल जाते हैं हमें 40 रुपीज के आपको देखने को मिल जाते हैं। निकाल कर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए गाइस यार, काफी मजेदार लग रहे हैं। यहाँ पर एक गोल्डन कलर देखिए यार, गोल्डन कलर भी इसमें देखने को मिल जाता है। तो ये थे 8 कलर पेंसिल हो जाते हैं अप्सरा की तरफ से। अगला देखते हैं यहाँ पर। ओ वाओ, 160 में यार काफी स्टेशनरी मिल रही है और काफी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं अप्सरा की तरफ से। 16 वैक्स क्लियरेंस आ जाते हैं। प्राइस रेंज की बात करें गाइस, 35 रुपीज के आपको मिल जाते हैं। निकाल कर मैं आपको शो ऑफ करवा देता हूँ। यहाँ पर देखिए यार, काफी मजेदार वैक्स क्लियरेंस हो जाते हैं। देखिए, ये काफी लेंथ भी काफी अच्छा है और इसकी अगर थिकनेस की बात की जाए तो वो भी काफी अच्छी है। तो ये थे वैक्स क्लियरेंस, इन्हें रखते हैं साइड में। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इरेजर सेट आ जाता है गाइस। यहाँ पर देखिए 10 रुपीज का इरेजर सेट है, जिसमें मल्टी कलर आपको देखने को मिल जाता है। रेड हो जाता है, येलो हो जाता है और एंड ब्लू हो जाता है। निकाल कर बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए और भी इसमें, और 160 में काफी अच्छे प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं गाइस। यहाँ पर एक और आपको शार्पनर दिया हुआ है, जो कि लॉन्ग शार्पनर हो जाता है यहाँ पर अप्सरा की तरफ से, और एक जम्बो इरेजर हो जाता है जो कि अप्सरा की तरफ से आता है, नन डस्ट इरेजर हो जाता है। इससे अगर आप इरेज करोगे तो कोई भी डस्ट क्रिएट नहीं होगा। तो गाइस, ये था अप्सरा की तरफ से आने वाला 160 का यहाँ पर किट था, जो कि काफी मजेदार निकला यार। अगला देखते हैं गाइस यहाँ पर। अगला हमारे पास सुपर सोल्जर की तरफ से आ जाता है ज्योमेट्री केस। गाइस, ये भी
एकदम डोरेमोन का जैसा हो जाता है। ये भी 150 का मिला है, जिसे डोरेमोन पसंद हो वो इसे परचेज कर सकता है, और जिसे सुपरमैन या सुपर सोल्जर पसंद हो इसे परचेज कर सकता है। यहाँ पर भी मैग्नेटिक लॉक दिए हुए हैं, कैलकुलेटर दिया हुआ है, 3D लॉक है, बाकी सेम हो जाता है, इसके तरह ही हो जाता है गाइस। तो इसे शॉप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक कर चुका हूँ यहाँ पर शॉप, डोरेमोन का दिखा चुका हूँ गाइस। अगला यहाँ पर देखिए, बेंटेन की तरफ से आने वाला एक शॉर्पनर हो जाता है, काफी प्रीमियम, ये 10 रुपए का मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया है, जिसके साथ यहाँ पर मुझे इरेजर भी मिला था। देखिए ब्रश के रूप में इरेजर हो जाता है यहाँ पर, इससे आप इरेज कर सकते हो गाइस। यहाँ पर फ्रूट, यहाँ पर इरेजर भी हो जाता है हमारे पास, जिसमें आपको देखने को मिल जाता है बैंगन इरेजर हो जाता है, मूंगफली इरेजर भी हो जाता है गाइस, यहाँ पर बनाना हो जाता है और नारंगी वाला हो जाता है। तो गाइस ये मैंने 20 रुपीज का परचेज किया है। यहाँ पर गाइस करेक्टर इरेजर भी हो जाता है, 50 रुपीज के मैंने इनको लोकल मार्केट से परचेज किया है। डोरेमोन का हो जाता है, मिकी माउस का हो जाता है, आपको मैं शो करवा देता हूँ, यहाँ पर निकाल कर मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए गाइस यार, काफी मजेदार लग रहा है इन्हें गाइस, इन्हें कौन इरेज करना चाहेगा यार, काफी मजेदार लग रहे हैं, एकदम करेक्टर में बिठा दिए। तो गाइस ये थे करेक्टर इरेजर, और यहाँ पर यूनिकॉर्न की तरफ से आने वाले काफी मजेदार इरेजर भी हो जाते हैं। देखिए यार ये 30 रुपीज के मैंने परचेज किए, एकदम करेक्टर में बिठा दिए इनको भी, तो इन्हें रखते हैं साइड में। अब देखते हैं यहाँ पर डोम्स की तरफ से आने वाली वाव किट हो जाती है। प्राइस रेंज की बात करें 49 रुपीज की किट हो जाती है। फटाफट से ओपन करते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे गाइस। यहाँ पर सबसे पहले इसे ओपन करते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या निकलेगा। जिप लॉक को हमने हटा लिया है, यहाँ पर काफी बिग पेंसिल निकल गई है डोम्स की तरफ से आने वाली। लेंथ देखिए, आगे के साइड कैप दिया हुआ है, पीछे के साइड इरेजर दिया हुआ है, सेफ्टी का फुल ध्यान रखा हुआ है। इसे रखते हैं साइड में, अगला इसमें क्या निकल जाता है। अगला एक रूलर मिल जाता है गाइस यहाँ पर, 15 सेंटीमीटर का हो जाता है, इसे भी रखते हैं साइड में। अगला यहाँ पर 6 शेड में कलर पेंसिल मिल जाती है, जो की काफी मजेदार है, मैं निकाल कर आपको बता देता हूँ। ये देखिए नन्हे सी प्यारी सी पेंसिल मिल जाती है, 49 रुपीज की है यार, 49 में आपको क्या चाहिए, फिर भी 49 में यहाँ पर काफी मजेदार स्टेशनरी देखने को मिल जाती है। एक यहाँ पर हो जाता है, एक यहाँ पर लॉन्ग शार्पनर भी मिल जाता है गाइस यहाँ पर 49 रुपीज के अंडर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक हमें डोम्स वाटर क्लियरेंस भी मिल जाते हैं गाइस यहाँ पर, ये देखिए काफी मजेदार होते हैं, 6 सेट में दिए हुए हैं, इन्हें रखते हैं साइड में। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या हो जाता है इसके अंदर। इसके अंदर गाइस ये शायद लास्ट प्रोडक्ट है, हाँ लास्ट प्रोडक्ट है, इसे निकाल लेते हैं फटाफट से और आपको शो ऑफ करवाते हैं। ये निकल नहीं रहा है, निकल जा बाबा निकल जा, ये नहीं निकल रहा है, नहीं निकल, ये निकल चुका है गाइस यहाँ पर। ये डोम्स की तरफ से आने वाले 12 शेड में वैक्स क्रियंस हो जाते हैं, मैं आपको शो ऑफ करवा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये बहुत ही प्यारे से नन्हे से वैक्स क्रियंस हो जाते हैं। तो गाइस ये थी आज की मजेदार वीडियो, आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसी वीडियो पाने के लिए इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर दे। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।